हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। इससे संबंधित मैंने अपने चैनल पर सेट 1 और सेट 2 का वीडियो डाल रखा है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धौलावीरा में। इसका सही उत्तर है धौलावीरा में। आपका दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग, नीला, हरा, पांडु या फिर नीला। तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। इसका सही उत्तर होगा लाल रंग। अगला प्रश्न आपका, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता जो है किस युग में पड़ता है? तो याद रखना, आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। इसका सही उत्तर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में या फिर मोहनजोदड़ो में। तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीय का नाम जुड़ा है? दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, मधुस्वरूप वत्स एवं BV राव। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीय का नाम जुड़ा है? तो याद रखना साथियों, दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो रंगपुर जो है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है यह कहाँ है? देखिए, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में है, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे लाई मैकाले, सर जॉन मार्शल, लाई क्लाइव, कर्नल टाड। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो याद रखना, सर जॉन मार्शल थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो इसका सही उत्तर होगा बैल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकुर्दा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। तो याद रखना, सिंधु स्थल पर समुद्र तट पर स्थल नहीं था। इसका सही उत्तर है कोटदीजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, धान्य कोठार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, किसे मानी जाती है? विशाल अन्नागार को मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में। तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? याद रखना, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, सूची 1 में प्राचीन स्थल का नाम दिया है और सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष दिए हैं। तो लोथल का क्या होगा? लोथल का होगा गोडीबाड़ा होगा। और कालीबंगन का क्या होगा? कालीबंगन का जूता हुआ खेत होगा। धौलवीरा का क्या होगा? धौलवीरा का होगा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख होगा। अब बनवाली का क्या हो जाएगा? पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति हो जाएगा। तो देखिए, लोथल का गोडीबाड़ा, ए का दूसरा देखिए किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, अतः ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर, हाथी, गैंडा, बाघ। तो इसका सही उत्तर है शेर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। हड़प्पा वासी किस वस्तु से परिचित नहीं थे? सोने एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन व शीशा, लोहा। तो याद रखना, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? लोथल, कालीबंगा, बड़ावली, हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर होगा लोथल। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सीडन, काटन, ए एवं बी दोनों, हड़प्पा। तो याद रखना, उसको किस नाम से पुकारते थे? सीडन के नाम से पुकारा जाता था। ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से? सीडन के नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बड़ावली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दैमाबाद होगा। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे उत्तरकूट में दे? तो देखिए, कूट में क्या क्या दिया है? चांदी दिया है, टीन दिया है, सोना दिया है। ये तीनों में से किन किन धातु का आयात करते थे हड़प्पा वासी? तो इन तीनों का आयात करते थे, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1, 2 और 3, अर्थात चांदी, टीन और सोना। इन तीनों धातु का आयात करते थे कौन लोग? हड़प्पा वासी लोग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदकुश क्षेत्र के, बदक्सा से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। तो इसका सही उत्तर है हिंदकुश क्षेत्र के, बदक्सा से।